खबर राजधानी देहरादून से है, जहां भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड से राज्यसभा उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बता दें कि पार्टी की ओर से जारी की गई 15 राज्यसभा प्रत्याशियों की सूची में उनका नाम भी शामिल है। वहीं भाजपा के पास उत्तराखंड में भारी बहुमत है, जिस लिहाज से उनका राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। ऐसा माना जा रहा था कि अनिल बलूनी को पार्टी राज्यसभा का एक और कार्यकाल दे सकती है, लेकिन पार्टी ने चौंकाने वाला फैसला लिया। वहीं अब भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने पार्टी के फैसले की सराहना करते हुए महेंद्र भट्ट को बधाई दी है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। अपने उत्तराखंड राज्य के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी को राज्यसभा के लिए नामित किया गया। उत्तराखंड राज्य से वो राज्यसभा जाने वाले हैं। अपने राज्य के कर्मठ, पार्टी के बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता, संघर्ष से निकले हुए और संगठन को बहुत मजबूती प्रदान करने का काम उन्होंने किया है। ऐसे अपने महेंद्र भट्ट जी को केंद्र नेतृत्व ने उत्तराखंड राज्य से राज्यसभा के लिए नामित किया है। मैं अपने केंद्र नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ।